किस किस को सीएसके ने छोड़ दिया? सीएसके ने छोड़ दिया बेन स्टोक्स, सीएसके ने छोड़ दिया प्रिटोरियस, सीएसके ने छोड़ दिया अंबती रायडू, सीएसके ने छोड़ दिया काइल जेमिसन, सिसांदा मगाला और आकाश सिंह को भी छोड़ चुकी है सीएसके। सीएसके का पर्स रिमेनिंग, रॉबिन ये बड़ा जरूरी है, लिखते रहेगा, सीएसके के पास कितना पैसा है? हम पहले लगा रहे थे इतना होगा उतना, 32.1 करोड़, ये बनाते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 32.1 करोड़ रिमेनिंग है सीएसके में। बचे कौन है? डेविन कॉनवे, मोइन अली, ठीक सना, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, पथी राणा, रहाणे, धोनी, मुकेश, ठीक है ना, उसके बाद शिवम दुबे और दीपक चहर, ये इनके पास है, और ऑब्वियसली सेनापति वगैरह। सेनापति को रिलीज नहीं किया, जो पहले आ रहा था बात कि सेनापति रिलीज है, नहीं, इन्होंने बिल्कुल बेन स्टोक्स चले गए हैं, बाकियों के भी जो मैंने आपको नाम लिया वो भी चले गए हैं, लेकिन 32 करोड़ रुपए सीएसके के पास पर्स रिमेनिंग है। रॉबिन अपडेट कर देना कि सीएसके से कौन से प्लेयर चले गए, और हार्दिक पांड्या भी कंफर्म हो चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए, बस हम वेट कर रहे हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। तो सीएसके का पर्स रिमेनिंग भाई 32 करोड़, काफी पैसा है आकाश। और जैसे हम बात कर रहे थे पहले, इन्होंने बेन स्टोक्स को छोड़ दिया है, लेकिन भाई अब ये जब जाएंगे ऑक्शन के अंदर, इनके पास पीसेस तो हैं। मोइन अली को नहीं छोड़ा बाय द वे, मोइन अली नहीं छोड़ा, इनको बॉलर चाहिए। हाँ। तो क्या ये कमिंस और स्टार्क के लिए जाएंगे? प्लस रचिन रविंद्रा के भाई, इनको भी चाहिए रचिन रविंद्रा, हर कोई चाहता है रचिन रविंद्रा आ जाए। आप शार्दुल ठाकुर की बात कर रहे थे, 32 करोड़ में सीएसके अच्छी खासी शॉपिंग कर सकती है ऑक्शन में? नहीं, बिल्कुल कर सकती है सीएसके अच्छी खासी मतलब शॉपिंग, और जिस तरीके से प्लेयर्स रिलीज हुए हैं यहाँ पर ऑफिशियली, हमें पता था कि यही कुछ नाम होंगे इसमें, एक कौन ऐड हुआ, आकाश सिंह जी, इसके अलावा तो वही नाम है जो हमने बताए थे, लगभग वही नाम, बिल्कुल। अल्टीमेटली 32 करोड़ का आकाश सिंह बाहर हो गए, लेकिन सेनापति है, सेनापति आपको अपडेट करके दिखा दीजिए। देखिए, बेन स्टोक्स निकल गए, प्रिटोरियस निकल गए, राइडू निकल गए, जेमिसन निकल गए, आकाश सिंह निकल गए, ठीक है ना, ये सारे नाम निकल गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर जो हमने नाम लिया था अभी, मतलब ये है कि आकाश सिंह को इसलिए रिलीज किया क्योंकि अच्छा, सेनापति भी निकल चुके हैं। हाँ, वो भी निकल चुके हैं, सेनापति भी निकल गए, सारे नाम जो हमने डिस्कस किए थे वो सारे निकल चुके हैं। एक एक्स्ट्रा नाम ऐड हो गया है आकाश सिंह का, वो इसलिए क्योंकि मुकेश चौधरी जिन्होंने पिछला सीजन मिस किया था, उनके रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर आए थे, तो अब वो आएंगे, तो अल्टीमेटली इनको बाहर जाना ही था, इसलिए वहां पर उनको रिलीज किया है। ये कोई रॉकेट साइंस आईपीएल रिटेंशन का, अब देखिए, अब आपको पक्की खबर दे रहे हैं, नो मोर स्पेक्यूलेशन शुरू हो गया है, आपको ऑफिशियल वर्ड ही दिखाएंगे, कौन सी टीम से कौन गया है, कौन सी टीम में कौन रहा है, और किस टीम के पास, सबसे इंपॉर्टेंटली किस टीम के पास कितना पैसा बचा है, 32.1 करोड़ सीएसके के पास बचा है। तो भाई आप एक बार वो भी दिखा दीजिए, कौन से प्लेयर्स रिलीज कर दिए हैं सीएसके ने, अच्छे खासा रोस्टर है भाई, लेकिन मैं इसी में इंटरेस्टेड हूं कि इस 32 करोड़ के साथ खरीदोगे क्या? हाँ, बहुत क्या? खरीद सकते हैं ये आप, मैं लेट्स से रचिन रविंद्रा के लिए जाते हैं, रचिन रविंद्र 15 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़ तक भी जा सकते हो, आपके पास पैसा बहुत है। आपको जरूरत किस लिए, इसकी बात कर लेते हैं, आपको जरूरत एक पेसर की है, पेसर की ये है? आप लगा लो कि आपको एक पेसर चाहिए, अगर वो कोटसे हो आप कोटसे ले सकते हो, नहीं तो आप ले सकते हो वहां पे पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क ऑप्शन है बेटा। पहले वाले जो सीएसके का दिखाया था वही दिखा दो, सेम ही तो है, क्यों इतनी देर लगा रहे हो, सेम चीज है, ऑप्शन भी है, और यही 3-4 ऑप्शंस हैं, और पेसर चाहिए, और पीछे बैठ के ना ध्यान रखना, बोलते ना कि आपको बताते रहेंगे करना। हाँ, दीपक 8 प्लेयर रिलीज कर रहे हैं, ये भी डाल दीजिए, 8 प्लेयर रिलीज कर दिए हैं सीएसके ने, 8 प्लेयर्स, तो प्रिटोरियस है, राइडू है, जेमिसन है, वर्मा, सेनापति साथ में वो भी थे आपके जो अभी देखा हमने, आकाश सिंह थे, 8 प्लेयर्स, ये टू बी रिलीज है, बिल्कुल रिलीज कर दिया जी इन्होंने, 8 प्लेयर्स सीएसके से छोड़ दिए हैं। सीएसके का पर्स रिमेनिंग है 32 करोड़ जी, 32 करोड़ का पर्स है, और इसमें हम जो बात करते हैं किस किस को आप ले सकते हो, सैम करन ऑप्शन है ऑलराउंडर का, लेकिन मतलब एक पेसर चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि दीपक चहर वहां पर है, मुकेश चौधरी अगर होंगे वहां पे, इंडियन नाम ठीक है, शार्दुल ठाकुर को भी लेकर आ जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक फॉरेन पेसर की कमी है। पथी राणा अच्छे हैं, युवा टैलेंट है, सारी चीज है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी है, लेकिन कम से कम एक एक्सपीरियंस तो ऐड ऑन करना चाहिए, इनको ना काइल जेमिसन को भी जाने दिया है, तो एक नाम तो कम से कम ऐड करना चाहिए। कैप है कि 3 ओवरसीज प्लेयर और ले सकते हैं, 8 स्लॉट्स इनके पास खाली है, 8 है, 6 प्लेयर और 3 ओवरसीज प्लेयर ही ले सकते हैं, तो 3 ओवरसीज प्लेयर्स के लिए भी जा सकते हैं और 6 स्लॉट वैसे खाली है, तो डेफिनेटली यार मेरे को लगता है कि ये या तो पैट कमिंस या स्टार्क के लिए तो जाएंगे, और कोटसे भी है, कोटसे है, तो ये देखना है अब एमएस धोनी का ये कॉल है कि वो एक्सपीरियंस स्टार्क के साथ जाना चाहते हैं या एक नए कोटसे को लाना चाहते हैं जो फ्रेंचाइज के लिए आगे तक काम करे। हालांकि हमेशा धोनी की सोच यही रहती है, भाई लंबी की सोचते हैं, जैसे पथी राणा को देखो ना,
अभी से स्टार बना दिया पृथ्वी राणा को, नहीं बिल्कुल, और इसीलिए कोटजिया का नाम चल रहा है क्योंकि जोबर सुपर किंग्स से खेलते हैं और यहाँ भी चेन्नई सुपर किंग्स से आ जाएंगे तो कोई नई चीज नहीं होगी उनके लिए, सुपर किंग्स में थे और यहाँ भी सुपर किंग्स से खेल सकेंगे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जैसे हम पृथ्वी राणा को लेकर कह रहे हैं, वो भी एक साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, तो आईपीएल में भी सीएसके के लिए उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। जो तीन स्लॉट्स की हम बात कर रहे हैं ना कि तीन फॉरन स्लॉट्स खाली है, अब उसमें एक जेराल्ड कोटजिया को फिट इन कर ले, सैम करन को मान लेते हैं कि ये ले लेते हैं, एक नाम रह जाता है अब, या तो मिचेल स्टार्क आ जाए उसमें, या फिर अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर लेना ही है तो रचिन रविंद्रा भी आप ले सकते हैं जी, कि अगर आपको पेसर नहीं चाहिए, क्योंकि ये टीम ऑलराउंडर्स के इर्द गिर्द बनी हुई है, जडेजा, मोइन अली, शिवम दुबे भी ऑलराउंडर है जी, तो क्योंकि ऑलराउंडर्स पे ज्यादा ये बैक करते हैं, और सैम करन को भी अगर ये लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप एक और ऑलराउंडर ऐड कर लो। सैम करन सारे के सारे सीएसके वाले मांग रहे थे कि सैम करन वापस आ जाए, घर वापसी हो जाए। अब सैम करन 18.5 करोड़ पंजाब ने लेके अब रिलीज करेंगे, 18.5 करोड़ पंजाब को मिलेगा, उनकी भी सांस में सांस आएगी पंजाब का। देखो एंड ऑफ द डे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसके पास कितना पर्स बचेगा, तब हमें समझ में आएगी कि भाई पहला प्लेयर जो भी चाहे, जैसे पंजाब चाह रही है रचिन रविंद्रा, उनके पास पड़ा 45 करोड़, वो तो खरीद सकते हैं, वैसे ही बाकी भी टीम्स का पर्स देखना पड़ेगा। बट सीएसके के लिए यार इन्होंने ज्यादा प्लेयर भी नहीं छोड़े ऐसे, देखो राइडू रिटायर हो गए, बेन स्टोक्स वैसे अवेलेबल, भाई इसमें बेन स्टोक्स भी लिख देते ना, बेन स्टोक्स वैसे अवेलेबल, देखो इसमें दो नाम नहीं है, 8 प्लेयर रिलीज करे हैं इन्होंने, बेन स्टोक्स छोड़ गए थे और एक आकाश सिंह, बाकी पूरा लिस्ट आपके सामने। तो सीएसके के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई वो 32 करोड़ भी इनको मिल गए, 8 प्लेयर्स रिलीज भी हो गए, अभी ये 3 जो है यहां पर प्लेयर्स ओवरसीज ले भी सकते हैं, और उसके अंदर बहुत बड़ी बात यह है कि सैम करन शायद अब 18.5 करोड़ में तो नहीं, 5-6 करोड़ में मिल जाए इनको, हाँ सैम करन 5-6 करोड़ में वापस ला सकते हैं। ये आप देखो ना कि टोटल प्लेयर्स जो रिलीज हो गए वो है बेन स्टोक्स, प्रिटोरियस, देखो तो इसमें एक ही नाम ऐसा नजर आता है जो लगातार इनके लिए खेल रहा था और वो रिटायर हो चुके हैं, अंबाती रायडू। इसके अलावा बेन स्टोक्स ने पूरा सीजन नहीं खेला, प्रिटोरियस को खिला ही नहीं रहे थे, मगाला को लाया था एक मैच खिलाया बहुत पीटे फिर बाहर, जेमिसन इंजरी कंसर्न खत्म, भगत वर्मा मौका नहीं मिला, ठीक है जी, आकाश सिंह को खिलाया था लेकिन मुकेश चौधरी के रिप्लेसमेंट थे, पहला प्रेफरेंस मुकेश चौधरी से। बता दे ये ब्रेकिंग न्यूज है और ये कंफर्म्ड है, ये अब जो भी लाइव देख रहे हैं हमारे साथ देख रहा हूं मैं, 6,002 जुड़े हुए, पहले तो लाइक जरूर करना भाई वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना अगर काम पसंद आ रहा है, कल से परसों से आपकी खिदमत में हाजिर है, आपने बहुत सपोर्ट किया है इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अब ये है, ये सारी ब्रेकिंग न्यूज जो हम आपको दे रहे हैं वो कंफर्म्ड है, अब ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, इन सारे प्लेयर्स को सीएसके ने रिलीज कर दिया है। सीएसके का पर्स रिमेनिंग हम जो पहले लगा रहे थे 30 होगा 32 होगा, 32.1 करोड़, अच्छा 32 करोड़ में 6 स्लॉट फिल करने हैं, 8 नहीं 6 करने हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, 32 करोड़ तीन फॉरेनर और 3 इंडियन, 32 करोड़ में 6 स्लॉट फिल करने हैं, 3 फॉरेनर ले सकते हो और 3 इंडियन ले सकते हो, हाँ आराम से आप कर सकते हो, अगर तो जो मैंने नाम बताए, अगर आप कोटजिया को ले लो, कोटजिया ले लो, सैम करन ले लो, एक नाम और ऐड करना तो स्टार को, अगर स्टार के कहां से आएगा यार आपके पास, आप इतना भी लालची ना बने ना कि कोटजिया भी ले लो सैम करन भी ले लो, बाकी पागल है पानी भरने आए वो, नहीं तो अगर आप सैम करन लेते हैं कोटजिया ले लेते हैं तो ज्यादा ड्रामे ना करें आप, देखिए 32 करोड़ आपके पास है, इंडियन आपको कम में मिल जाएंगे, मनीष पांडे आपको कितने में मिलेगा, चलो अगर आप मनीष पांडे, अगर आप मनीष पांडे के इस समय पर आप मान लीजिए डीसी रिलीज करके, देखो ये सीएसके वाले ये सीएसके फैन है ठीक है ना, इसीलिए पागल हो रहा है कि हम कोटजिया भी हमें दे दो, सैम करन भी हमें दे दो और भाई हमें स्टॉक भी दे दो, अबे क्या तुम अकेले खेलने आए हो क्या, चलो पागल है यहाँ पे अच्छा लेकिन ये बता दूं आपको, अच्छा मैं आपको एक बात, 8 प्लेयर रिलीज करे हैं, 8 प्लेयर सीएसके रिलीज करे हैं, 6 प्लेयर का स्लॉट इनको भरना है और 32 करोड़ कम पैसा नहीं है इनके पास, 32.1 करोड़ 32 करोड़ इनके पास है, तो लेट्स सी कि अब ये क्या करते हैं, 32 करोड़ 10 लाख मेरे ख्याल से, और ये भाई साहब चाह रहे हैं कि तीनों के तीनों आ जाए, कोटजी भी आ जाए सीएसके, कोई बात नहीं, और सैम करन तो आ जाएगा, मुझे लग रहा है सैम करन को धोनी वापस रख आ जाएगा वो, कोटजी सैम करन इस बार 7-5-6 करोड़ से ऊपर का नहीं मिलेगा उसी के हिसाब से, तो आप कितने में आ जाएगा आप बताएं, चलो एक एस्टीमेट लगा, भी 6-7 करोड़ मैक्सिमम है आ जाएगा, ज्यादा नहीं लगेगा, कितना हुआ 13 करोड़, मान लीजिए 12-13 करोड़ मान ले, 13 करोड़ हो गया ठीक है, आप मिचेल स्टार्क नहीं भी उठा पाते हैं, नहीं हो पाएगा ठीक है, नहीं हो पाएगा पता है, सैम करन भी हो सकता है कि बाकी जैसे हमारे दिल्ली वाले भाई साहब है जो हर पॉइंट पे उठा देते हैं,
तो तुम्हारा भी प्राइस उठा दे हम, तो दिल्ली वाले भाई साहब सैम करन 6 करोड़ में मिल रहा था, हम 12 करोड़ करवा देंगे। नहीं नहीं, तो चेन्नई सीएसके इतनी बेवकूफ नहीं है भाई, मैं फोन कर दूंगा, 12 करोड़ तक जाएगी भी नहीं। मैं बोलता रहा हूं, मैं फोन कर दूंगा, आप फोन करवाएं जो करवाएं, बट सीएसके इतनी बेवकूफ नहीं, वो 12 करोड़ तक जाने वाले पहले, ठीक है ठीक है, 6-7 करोड़ में आ गया तो आ गया, वरना वो छोड़ देंगे, ठीक है। सैम करन, कोटजिया, ये दो टारगेट कर लेंगे, ठीक है। स्टार्क नहीं मिलेगा, शार्दुल ठाकुर तो आ जाएगा। हाँ, लेकिन शार्दुल ठाकुर देखो, अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हें शार्दुल ठाकुर के पास जाना है या तुम्हें रचिन रविंद्रा टाइप को ट्राई करना है, बिकॉज तुम्हारे लिए बेन स्टोक्स बाहर हो गया, तुम्हारे लिए राइडू भी नहीं है। राइडू की सॉलिडिटी कौन देगा? देखो शार्दुल ठाकुर दिल पे हाथ रख के बता दो, बैटिंग तो भाई नहीं नहीं, बैटिंग के लिए नहीं कर रहा था, मतलब जैसे एक फॉरेन पेसर की बात हो रही थी, दो आप ले लो उसमें, चलो स्टार्क अगर नहीं मिल पाता है सैम करन को ऐड कर लो और कोटजिया को ऐड कर लो, दो हो गया वहां पे शॉर्ट फील्ड, ठीक है। फिर अगर आपको चाहिए कि मतलब अब नहीं मिल पा रहा है स्टार, इंडियन की तरफ जाओ, शार्दुल ठाकुर ले लो, ऑप्शन है, कहीं आप फिट इन कर सकते हो, कभी भी खिलाना हो खिला सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, मर्जी है, आप अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आप पिक एंड चूज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन चाहिए बैटर, आप बैटर की तरफ जाओ, मनीष पांडे का अगर ऑप्शन मिलता है तो वहां से मनीष पांडे भी उठा लो, अब्बाती रायडू की जगह फिट इन कर लेना, ये एक ऑप्शन वहां पे फिट इन हो जाता है, एक फॉरेनर का फिर भी स्लॉट खाली बचता है। तो उसमें देखना यह है कि आपने अगर बॉलर नहीं मिल पा रहा है तो किसी बैटर के साथ चले जाओ, अगर डेविड मलान आ जाए या फिर कोई और ऑप्शन आ जाए उसमें, तो आपके बड़े आराम से करते कराते 32 करोड़ में फिट इन हो सकती है टीम, और बढ़िया बढ़िया टीम बन जाएगी जिसमें एक्सपीरियंस भी होगा। अभी के टाइम में अगर आप देखो तो डेविड मलान का वर्ल्ड कप इतना, मतलब उस तरीके से देखा तो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सबसे अच्छी बैटिंग उन्होंने ही की थी। हाँ। तो वो भी एक ऑप्शन है जिसके तरफ ये जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात ही है ना कि अगर स्टार्क नहीं भी आता तो हम एक स्टार की जगह दो पेसर लेकर जाएंगे, सैम करन एंड कोटजिया, ठीक है। करन का अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया बट सीएसके से पहले भी खेल चुके हैं, आईडिया है, सैंटनर पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, सिमरजीत है तुम्हारे पास, तुषार देशपांडे है, प्रशांत सोलंकी है, बॉलर्स तुम्हारे पास है, इंडियन बॉलर्स भी तुम्हारे पास, एक्चुअली सीएसके का रोस्टर कितना अमेजिंग है यार, कहीं से कुछ कमी नहीं है। अच्छा, इनको राइडू भी बाहर हो गया तो कुछ कमी इनको नहीं, एक स्पिनर 32 और ऊपर से 32 करोड़ और है इनके पास। बेन स्टोक्स पिछला पूरा सीजन नहीं खेला, राइडू का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया, फाइनल में थोड़ी हिट्स लगाई थी बढ़िया, उसके बावजूद फाइनल जीत गए, तो तू सोच ले कि क्या डेप्थ है यार इस टीम में। और ये बच्चों के साथ पथिराना, ठीक सना, मतलब ये नए नए आए हैं, इनके साथ जाके धोनी ने कब जिता दिया, अल्टीमेट कैप्टन है यार। और अब तो इनके पास और ज्यादा इनकी छटाई हो गई, ये प्लेयर सारे निकल गए जो ये कहां खेल रहे थे, जेमिसन वगैरह, स्टोक्स वगैरह कहां खेल रहे थे, इनके पैसे ही बच गए। स्टोक्स पे कितने पैसे बचा लिए तुमने, 16-17 करोड़ थे बेन स्टोक्स, तो पैसे भी वापस आ गए, टीम ऑलरेडी चैंपियन टीम है और बेटर प्लेयर भी खरीद सकते हो आराम से। और तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि अगर देखो होगा क्या, अगर पहले तो ऑप्शंस वाइज अगर बॉलर्स आते हैं ऑक्शन में और वहां पे मिचेल स्टार का नाम पहले आ जाता है, वहां पे मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस जिसका भी आता है चेन्नई सुपर किंग्स जाएगी उनके लिए कि एक पेसर को रख लेते हैं। अगर स्टार्क नहीं आ पाते हैं फिर इनका ये प्लान भी होना चाहिए कि ये कोटजिया वगैरह या फिर सैम करन को लेकर अपनी टीम उधर फिट इन कर ले बॉलिंग साइड में, फिर इंडियन की तरफ स्विच मारे, वहां पे मनीष पांडे आ जाएगा, शार्दुल ठाकुर आ जाएगा, एक दो नाम और आप करते कराते वहां पे इंडियन स्लॉट्स को फिल कर ले, एक फॉरनर का स्लॉट रह जाता है उसमें आप या तो किसी बैटर को देख ले या किसी स्पिनर को देख ले, क्योंकि अगर जडेजा है, मोइन अली है, सेंटनर है, ठीक है अच्छे स्पिनर थे, बट मोइन अली लगातार खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं, जडेजा एक हो जाएंगे और सेंटनर का भी कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं, तो एकाद अगर प्रॉपर स्पिनर कोई मिल जाना फॉरनर वो भी इनकी टीम को और ज्यादा डेप्थ दे सकता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर एक स्पिनर को भी ये टारगेट कर ले ऑक्शन में जहां पर कोई फॉरनर स्पिनर मिल जाए, केशव महाराज टाइप्स कोई अगर मिल जाए तो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी सीएसके की टीम। फिर कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि 32 करोड़ का इन्होंने जो ये पर्स लेकर ये उतरेंगे उसका अच्छा खासा इन्होंने सोच समझ के बिल्कुल वहां पे ऑक्शन में अपना जोड़ घटाव किया और अच्छे प्लेयर्स को उठाया। अच्छा, मगाला भी चला गया, जेमिसन भी छोड़ दिया, आकाश सिंह भी छोड़ दिया, मतलब ये अपने पेसर से तो खुश है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दीपक चहर वगैरह है। मगाला ने मगाला खिलाया था, पिटे थे, खिलाया बीच में खिलाया, उसने बुरा तो नहीं किया था, और उसको एक मैच में काफी पिटे थे वो यार, एक मैच ही दो खिलाओ बट मगाला भी मुझे याद है, मगाला को ये पहली चॉइस नहीं थी जहां तक मुझे ध्यान में, जेमिसन पहली चॉइस थे, जेमिसन नहीं आ पाए थे, जेमिसन की इंजरी हो गई थी और फिर जेमिसन के नहीं होने की वजह से इन्होंने जो उनका, मुझे ये बता दो अब आप टीम बनाओगे ठीक है ना, अब जब धोनी कप्तान नहीं होंगे तो क्या 100% है कि ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तानी करेंगे? धोनी का लास्ट सीजन हो सकता, पिछली बार था कि लास्ट सीजन भाई ये सीजन नहीं, तो बहुत स्ट्रेच कर लोगे तो नेक्स्ट सीजन भी लगा लो, अगर जीते गए तो फिर तो कौन रोक सकता है, और जीत भी सकते हैं भाई साहब को पता तो कुछ है नहीं, लेकिन
कप्तान आपको 100% है कि ऋतुराज गायकवाड़ पे जाओगे कि वापस आप रविंद्र जडेजा पे जाओगे? 120% श्योर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे अगले बार। बहुत यंग है वो भाई, यंग है बट उसके ऊपर उसके रन वैसे ही, मतलब आप कप्तानी का प्रेशर डालोगे फिर रन ना है दिखना शुरू हो जाता है ना कहीं चीजें। अब एशियन गेम्स की टीम चुनी गई, सारे टीम अभी आपकी अलग अलग जगह पे खेल रही थी उस टाइम, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन सारी चीजें हो रही थी, कप्तान बनते हैं ऋतुराज गायकवाड़, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखा देता है। हम कहते हैं ना कि आज के डेट में आईपीएल क्या हो गया जी, कि सारे डिसीजन क्या होते हैं कि आईपीएल और फ्रेंचाइजी तय करती है, वहां से भी होता है ना कि मुंबई इंडियंस के अगर हार्दिक पांड्या को ले रही है भाई तो क्यों ले रही है, इंडियन टीम का कप्तान है, मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर लो। तो ऋतुराज गायकवाड़ अगर इंडियन टीम के लिए कप्तानी कर रहे हैं एशियन गेम्स में वहां पे, तो अल्टीमेटली ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि एशियन गेम्स में कप्तानी कर देना और ये सीएसके के लिए नहीं, यहां भी अभी सूर्य कुमार यादव के बाद, सूर्य कुमार यादव के बाद वाइस कैप्टन आपके लिए ऋतुराज गायकवाड़ ही है, वो तो सीनियर प्लेयर नहीं है, नहीं है बट अभी यहाँ पर ऑप्शन गया है ना वो कप्तानी, कहीं ना कहीं लीडरशिप ग्रुप में तो है, ठीक तो है। ये एक सोच दिखाता है कि अगर सीएसके के लिए भी कप्तानी कोई करने का दावेदार है। हाँ जडेजा है, ऑप्शन है, जडेजा बड़े नाम है, ऑलराउंडर है, बहुत किया है सीएसके के लिए, बहुत टाइम से है, लेकिन अगर फ्यूचर देखना है और जडेजा की कप्तानी जिस तरीके से हुई थी उनका नहीं निकल के आया था बेस्ट, जो हम कहते हैं ना जो आपने पॉइंट रखा कि ऋतुराज गायकवाड़ का बेस्ट नहीं निकल के आ पाया, तो जडेजा ने कप्तानी में जैसी परफॉर्मेंस की थी कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि उनका खुद का परफॉर्मेंस नीचे चला जाता है जिस तरीके से प्रेशर लिया था उन्होंने, उनसे बैटिंग ही नहीं हुई थी, कप्तानी संभाली बैटिंग चली गई, बॉलिंग में विकेट्स नहीं आ रही थी, फील्डिंग में कैच ड्रॉप कर रहे थे रविंद्र जडेजा जब हमने देखा कि कप्तानी कर रहे थे, धोनी भी थे, मैं पॉइंट मानता हूं लेकिन प्रेशर कैप्टन तो धोनी ही रहेंगे, लेकिन जबरदस्ती तुमने क्या, लेकिन बैटिंग तो वो बैटिंग में तो वो चीज दिखा, अरे मेरे भाई पर्सनल परफॉर्मेंस जो होती है ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि मेरे को नकली कप्तान बनाया हुआ है, ऑन फील्ड धोनी कप्तानी कर रहे हैं, मुझे नाम का कप्तान बनाया हुआ है, उसके बाद देख रहे जब वो कप्तान नहीं था, तुम्हें टाइटल जिताया ना उसने, छक्का चौका मारा एंड में, अगर बेस्ट निकलवाना है जडेजा जैसे प्लेयर, मेरे हिसाब से अगर धोनी होंगे फील्ड में तो ऋतुराज गायकवाड़ भी नहीं कर पाएगा कप्तानी, करवा लो नहीं वो तो ऑब्वियसली फ्यूचर की बात हो रही है ना, धोनी के बाद जब धोनी फील्ड पे नहीं होंगे तब तो कर सकता है जडेजा कप्तानी, तब क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है मैं मानता हूं ऑप्शन है जडेजा का एक ऑप्शन, लेकिन मेरे हिसाब से गायकवाड़ को कप्तानी इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अभी भी इंडियन टीम के लिए अगर आप देखो कप्तानी कर चुके हैं, महाराष्ट्र के लिए भी कप्तानी किया हुआ डोमेस्टिक सर्किट में, तो ऐसा नहीं है कि गायकवाड़ को अगर कप्तान बनाएंगे तो पहली बार होगा कि ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है डोमेस्टिक अलग होता है आईपीएल अलग होता है, आईपीएल बहुत बड़ा प्रेशर कुकर वाला सिचुएशन हो जाता है, वहां पे आईपीएल ऐसी कोई छोटी मोटी टूर्नामेंट नहीं है, बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो टेस्ट करना पड़ेगा और गायकवाड़ ने कप्तानी की है जी, इसीलिए मेरा मानना है कि गायकवाड़ कैन बी द फ्यूचर लीडर फॉर सीएसके, और कोई ऑप्शन नहीं, जडेजा को देख लिया है बट उस पे यहां पे एक बार उसमें देखिएगा जरा स्पोर्ट्स सीटिंग में देखिएगा अगर थोड़ा सा और जल्दी आ जाएगा बिकॉज जो है ना डीटीएच पे उस पे ज्यादा जल्दी आ जाएगा मेरे ख्याल से, एक बार ट्राई कर लीजिएगा बिकॉज अभी तक हम सीएसके की बात कर रहे हैं और ये जो ब्रेकिंग है वो कंफर्म्ड है भाई कि सीएसके से 8 प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया है।